मध्य प्रदेश और खासकर निमाड़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही है। भले ही शरीर रूप में वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका नाम इस संस्थान के माध्यम से निश्चित रूप से सदैव जीवित रहेगा। साथियों, इस समय हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आईटी उद्योग ने 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मानता हूं कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का एक प्रमुख उद्योग होगा, जिसकी देश और समाज निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जब मैंने जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि किसी जीव के डीएनए के पूरे सेट को उसका जीनोम कहा जाता है। शरीर में प्रत्येक मानव कोशिका में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस जोड़े होते हैं, जो मानव जीनोम का निर्माण करते हैं। साथियों, प्रत्येक जीवित जीव का अपना अनूठा जीनोम होता है और वैज्ञानिक इस डीएनए बेस के अनुक्रम की खोज के लिए अत्यधिक उन्नत जीनोमिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। एनजीएस तकनीक वायरस, बैक्टीरिया, पौधे, पशु और मनुष्य के जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकती है। साथियों, एनजीएस तकनीक ने जैविक विज्ञान में क्रांति ला दी है, जिससे प्रयोगशालाओं को विभिन्न प्रयोगों का प्रदर्शन करने और जैविक प्रणालियों का अध्ययन उस स्तर पर करने की अनुमति मिली है जो पहले कभी संभव नहीं था। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज एक वास्तविकता है। कोरोना काल की चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं और भविष्य में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या होने वाली है। एक प्राथमिक चिंता यह है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज आबादी को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। जीनोमिक्स हमें आने वाली चुनौतियों से लड़ने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इसे चिकित्सा, स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय संस्थानों द्वारा एनजीएस तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, ताकि कोविड जीनोम की सीक्वेंसिंग की जा सके, जो तेजी से बदल रहा है। कोविड जीनोम को अनुक्रमित करके हम जीनोम के उस हिस्से की पहचान कर सकते हैं जो बार बार नहीं बदल रहा है, और यह वैक्सीन विकास के लिए एक आदर्श लक्ष्य हो सकता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोविड के कारण नंदू भैया को खो दिया है। उनके नाम पर बनी यह लैब भविष्य में कई लोगों की जान बचाने के लिए कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग में काम करेगी। यह बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। टीम न्यूक्लियोम द्वारा हमारे नंदू भैया को यह एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं टीम न्यूक्लियोम का इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक रिसर्च की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिक भारत में एक ही छत के नीचे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पौधे, पशु और मानव जीनोम के सभी जीनोम अनुक्रमण का कार्य कर सकते हैं, और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता लगभग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। हाथबंद ब्लॉक प्रमुख व प्रेमपाल सिंह वीडियो हाथबंद की तरफ से समस्त जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रजेश कुमार लेखपाल तहसील शिकोहाबाद की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।